That's how I know that I'm unstoppable. तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में मार्क 45 बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए टोनी स्टार्क ने एक न्यू आर्मर बनाया जिसका नाम था मार्क 46। मार्क 46 टोनी का बनाया 46 आर्मर था जिसे टोनी ने सिविल वॉर के टाइम पर यूज किया। मार्क 46 की कलर थीम रेड और गोल्डन थी और इसमें फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस आर्मर में बेसिक एबिलिटीज जैसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाइंग पावर तो थी ही, लेकिन बाकी आर्मर की तरह मार्क 46 भी आर्क रिएक्टर पर काम करता है। अगर बात करें मार्क 46 के वेपन्स के बारे में तो इस आर्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे काम करने वाले गैजेट्स है जिसका यूज टोनी ने एक हेलीकॉप्टर के सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए कर दिया था। मार्क 46 पहला ऐसा आर्मर था जिसका हेलमेट सूट के अंदर फिट हो जाता था। अब पहले मुझे लगा कि टोनी ने यहाँ पर नैनोटेक का यूज किया है, लेकिन अगर हम स्लो मोशन में देखें तो ये हेलमेट टोनी के नेक और शोल्डर में डिसेंबल होता है, जिसका मतलब यहाँ पर कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई। मार्क 46 के शोल्डर पर दो ब्लॉक्स में 8 मिनी मिसाइल थे जो आराम से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की जान ले सकते हैं, लेकिन टोनी ने इन मिसाइल का यूज किया हॉकाई और वंडा का रास्ता ब्लॉक करने के लिए। इस आर्मर में फ्लाइंग स्टेबलाइजर थे, लेकिन अभी ये अपने डेवलपमेंट फेज में है, इसलिए टोनी हवा में स्टेबल तरीके से लेविटेट नहीं कर पा रहा था। अगर बात करें इस आर्मर के ड्यूरेबिलिटी की तो वंडा ने टोनी को 3 सेडन कार के नीचे कुचल दिया था। अब एक सेडन कार का वेट कम से कम 1000 केजी होता है, तो यहाँ पर तो टोनी के ऊपर 3000 किलो का वजन आराम से गिर गया था, लेकिन फिर भी ना तो इस आर्मर को कुछ हुआ और ना ही टोनी को। मार्क 46 फायर प्रूफ है, लाइटनिंग प्रूफ है और हाई अंडर वाटर प्रेशर में भी ये आर्मर आराम से काम कर सकता है। ये सूट इतना हल्का था कि टोनी बीच हवा में हॉकाई के एरो को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन इसी का फायदा उठाकर एंटमैन इस सूट के अंदर घुस गया और जब टोनी अपने रिपल्सर यूज करता है तब रिपल्सर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एंटमैन आयरन मैन के लेफ्ट हैंड के सिस्टम को ऑफलाइन कर देता है। और अगर हम टोनी के होलो स्क्रीन पर देखें तो हम देख सकते हैं कि एंटमैन खास से सिस्टम को डैमेज कर रहा है और मार्क 46 का हाथ कितना डैमेज हो चुका है वो भी हम साफ देख सकते हैं। लेकिन टोनी सूट के अंदर की सेपरेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से एंटमैन को ना चाहते हुए भी वहां से भागना पड़ता है। लेकिन इस बात से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब टोनी ने मार्क 46 बनाना शुरू किया होगा तब उसने कितनी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा होगा सूट की सिक्योरिटी को बनाए रखने में। इस सूट में एक नेट भी थी जो टोनी यूज करने वाला था फैल्कॉन को पकड़ने के लिए, लेकिन इससे पहले टोनी ऐसा कर पाता फैल्कॉन टोनी के ऊपर अपने रेड विंग से अटैक कर देता है। मार्क 46 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिर्फ एक घंटे में और मार्क 46 की सूटअप प्रोसेस मार्क 42 की तरह है, लेकिन टोनी ने इस आर्मर को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर की सीट में छुपा कर रखा था और इस आर्मर को फुल्ली सूटअप होकर एक्टिवेट होने में कम से कम 7 सेकंड का टाइम लगता है। टोनी ने मार्क 46 का ही यूज किया था कैप्टन अमेरिका से फाइट करने के लिए और ये पहला ऐसा आर्मर था जिसके राइट हैंड में 2 मिनी मिसाइल थे। सबसे पहले टोनी ने इसे बक्की पर यूज करने की कोशिश की और दूसरी बार एग्जिट को बंद करने के लिए। इस आर्मर की मदद से टोनी 2 सुपर सोल्जर के फाइटिंग स्पीड को आराम से मैच कर पा रहा था और मार्क 46 की यूनिबीम ने तो बक्की का हाथ ही उखाड़ कर रख दिया। इस आर्मर में फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसे कैप्टन अमेरिका के पावर लेवल के बारे में पता था और फ्राइडे को यह भी पता था कि टोनी हैंड टू हैंड फाइट में कैप्टन को कभी बीट नहीं कर सकता, इसलिए वो कैप्टन के फाइटिंग मूव्स को कॉपी करती है और मार्क 46 को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। हालांकि कैप्टन इस आर्मर के हेलमेट को तोड़ने में कामयाब हो गया था। लेकिन ये था आयरन मैन का बनाया मार्क 46 आर्मर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मार्क 47, मार्क 48 और मार्क 49 के बारे में एक साथ बात कर लेंगे। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कौन जीता था, कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।